मैं यूट्यूब फैमिली नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बट मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि मेरा एक और चैनल था मयूरी तूफ़ान के नाम से, कॉमेडी मैं उस पर चैनल पे अपलोड करती थी। एक्चुअली यूट्यूब ने मेरा वो चैनल डिलीट कर दिया है, बिना किसी गलती के, बिना किसी मेल के, बिना किसी स्ट्राइक के, बिना किसी वार्निंग के, उसने डायरेक्टली फिर डिलीट कर दिया। मुझे रात को 7:30 या 8 बजे के आसपास एक मेल आया कि यूट्यूब ने आपका चैनल डिलीट कर दिया है, डायरेक्टली डिलीट कर दिया, ना कोई मैसेज, ना कोई मेल, ना कुछ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कोई भी बंदा हो, अगर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तब जा कर के फर्स्ट पेमेंट तक पहुँचता है। मेरा उस चैनल से फर्स्ट पेमेंट आने वाला था, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची थी। लोगों के ताने सुन सुन के मेरे कान, मतलब अब क्या मैं कहूँ, अभी तक मैं 3-4 साल से यूट्यूब पे हूँ, बट मेरा फर्स्ट पेमेंट ना इसी चैनल से आया है ना उसी चैनल से आया था, बस आने वाले था। बस पता नहीं किसकी नज़र लगी, क्या हो गया, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात को जब मेल आया तब मैंने एक अमन भैया है, मैंने उनके पास कॉल किया। उन्होंने कहा कि तुमने कोई गलती की होगी या फिर कोई मेल आया होगा इसके पहले भी, डिलीट करने से पहले, बट डिलीट करने के पहले मेरा कोई मेल नहीं आया। मैं भी स्क्रीनशॉट बाजू में लगा दूंगी, आप लोग चैनल का नाम देख लीजिएगा, यूट्यूब ने खुद डिलीट कर दिया बिना किसी गलती के। उस मेल में उन्होंने समझाया कि हमने कोई स्पैम किया है या फिर कुछ गुमराह करने वाली चीज़ें डाली हैं, बट अपने चैनल पे हम बस कॉमेडी वीडियो डालते थे और उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिसकी वजह से यूट्यूब की दिशा निर्देशकों को या फिर गाइडलाइन का फॉलो ना करता हो हमारा जो वीडियो था, ऐसा कोई चीज़ नहीं डाला था हमने। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसने डिलीट किया चैनल तो उसको बताना चाहिए था कि आपने ये गलती किया, पहले वार्निंग या स्ट्राइक, फर्स्ट स्ट्राइक, 3 स्ट्राइक के बाद ही किसी का भी चैनल डिलीट होता है, उसको बताना चाहिए था कि आपने ये गलती किया। मतलब कुछ गलती नहीं बताया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और कुछ गलती नहीं बताया उसने, कोई मेल नहीं दिया कि आपने ये गलती किया है, तो तुरंत डिलीट कर दिया। कुछ मतलब एक मेल आता है कि आपका चैनल इस वजह से हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, बट कोई भी नहीं दिया, बस खाली डिलीट करने का मुझे मेल दिया कि मैंने आपका चैनल डिलीट कर दिया है। मैं लगातार 3-4 हफ्ते लाइव आई थी, डेली 8-9 घंटे लाइव रहती, तब जा कर के मैं इस मुकाम तक पहुंची थी कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आने वाला था उस चैनल से, लेकिन आते आते ही रह गया। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया था हमने, लेकिन उसमें अपील करने का ऑप्शन दिया है, हम अपील करेंगे एक बार और देखते हैं कि क्या हो। मुझे बस इतना समझना है कि अगर मेरा चैनल डिलीट हुआ तो हमने गलती कौन सी की है, मुझे बस इतना समझना है, बाकी कुछ नहीं जानना है। मैंने गलती क्या की है मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि हमने गलती क्या की है। अगर उसमें गलती है हमारी तो गलती दिखाओ कि हमने क्या गलती की है। कोई भी हो, इतनी मेहनत करने के बाद अगर मोनो करवाता और ऐसे सबका डिलीट हो जाएगा तो हमारे इंसान तो डिमोटिवेट हो जाएगा ना। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर ज्ञान मित्री जिसके मिलियन में सब्सक्राइबर है, अगर उनका डिलीट होता है ना तब भी वो कुछ अर्न किए होते हैं, उन्हें कुछ भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि उनकी वार्निंग हुई रहती है। बट मेरा तो अभी शुरुआत था, 3 साल से लगे थे, फर्स्ट पेमेंट आने वाला था और आते आते रह गया। हमें इतना दुख इसलिए हो रहा क्योंकि हम 3 साल से यूट्यूब में बट फर्स्ट पेमेंट अर्न नहीं हुआ। अगर रनिंग होने वाली थी तो इतना इतना गलत किया यूट्यूब ने मेरे साथ। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि यूट्यूब का वो रूल्स है, हम मानते हैं कि अगर हमने कोई गाइड फॉलो नहीं किया तो उसको मेल करना चाहिए था। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी इसी वीडियो में, कुछ लोग कहेंगे कि झूठ बोल रही है, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो और मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने एक नया चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मुझे उस वाले चैनल पर सपोर्ट कीजिए,
पता नहीं ये चैनल आएगा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आएगा। हमने गलती नहीं की है लेकिन फिर भी। और आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि आप लोग मुझे उस चैनल पे सपोर्ट कीजिए और इस वाले चैनल पे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेमेंट अर्जी नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और अपील तो मैं करूँगी ही करूँगी, क्योंकि मैंने गलती नहीं किया है। और मैं अपने दूसरे वाले चैनल का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बस आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है, कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ नहीं कहना है मुझे।